Hello children, welcome to the computer science class. Students, in the last class we had learned group by clause. Kis prakar SQL mein hum group by clause ko use karte hain. And we have also seen how we can apply condition in group by clause. Kis prakar group by clause mein agar hum filtering condition apply karna chahte hain, to uske liye hum kaun sa keyword use kare? Having clause. So today we are going to see the last topic of this chapter as well as we can say the last topic of this unit, that is SQL. Aaj hum iska last topic padhenge. Before starting the class, students, as we have seen, why we are creating database? Hum database kyun banate hain? What is the use of database? Database is used to collect information. Hum related information ko ek jagah par store karte hain. So in DBMS or RDBMS we store data in the form of tables. RDBMS में हम data को किस format में store करते हैं? We store in the form of tables. Tables में store करते हैं जिसमें rows होता है और columns होता है. So, is there any restriction that in a database only one table can be there or two or more tables can be there? क्या आपने अभी तक पढ़ा था कि कोई restriction है database में कि आप एक database में एक टेबल ही बना सकते हैं या फिर पांच टेबल बना सकते हैं या फिर 10 टेबल बना सकते हैं? चिल्ड्रन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक डेटाबेस में एक ही टेबल होगा या फिर पांच टेबल होगा या फिर 10 टेबल होगा. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक डेटाबेस में टेबल्स को बनाते हैं. सो अब तक जितने हमने एसक्यूएल कमांड्स देखा था जिसमें हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करे थे, टेबल क्रिएट करने के बाद वी राइट एसक्यूएल कमांड एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव डेटा और वी राइट एसक्यूएल कमांड टू फेच डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल. टेबल हम बनाते हैं डेटाबेस में, उसके बाद क्या करते हैं? वी इंसर्ट रिकॉर्ड्स. हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं एंड आफ्टर इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? वी रिट्रीव डेटा, वी पुल डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल. तो उस पर्टिकुलर टेबल से हम डेटा को पुल करते हैं with the help of select command. So whatever examples till now we have seen, that is from single table. जो भी हम data को retrieve करते थे वो हम किस table से करते थे? Single table से करते हैं. That means at a time we try to fetch data from a particular table or from a single table. But in database हमें पता है कि database में हमेशा केवल एक ही table नहीं होता है. There can be more than one table. एक से ज़्यादा table भी हो सकता है. So कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि at a time हम एक से ज़्यादा table से data को pull करवाना चाहते हैं. That means we want to fetch data from more than one table at a time. समझ में आ रहा है आपको? यानी कि आप जो SQL command लिखेंगे उसमें आप केवल एक ही table से data को fetch नहीं करेंगे. We'll see one example. सिंपल एग्जांपल देखते हैं. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट. सपोज आई राइट दिस कमांड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट. इससे क्या होता है? स्टूडेंट टेबल से, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑल रिकॉर्ड्स. दैट मींस वी आर गोइंग टू फेच ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम वन टेबल, दैट इज स्टूडेंट. यानी इस कमांड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे देन आउटपुट क्या होगा? स्टूडेंट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है. रिकॉर्ड्स मतलब हाउ मेनी रोज आर देयर. अगर टेबल में फाइव रिकॉर्ड्स है सो पांचों रिकॉर्ड्स शो होगा. अगर एक रिकॉर्ड है तो ओनली वन रिकॉर्ड विल बी शोन. तो एस्ट्रिक का मतलब होता है जितने रिकॉर्ड्स टेबल में प्रेजेंट है वो सारे रिकॉर्ड्स को फेच करता है. सो ये जो कमांड हमने लिखा इसमें वी आर फेचिंग डेटा फ्रॉम ओनली वन टेबल, दैट इज स्टूडेंट. केवल एक ही टेबल से हम डेटा को फेच कर रहे हैं. बट अगर हमें चाहिए कि एट ए टाइम वी वॉन्ट टू फेच डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल, एक से ज़्यादा टेबल से एट ए टाइम सिंगल कमांड में हम डेटा को फेच करवाना चाहते हैं, फॉर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज जॉइंस. एसक्यूएल में एक टॉपिक है जॉइन, जिसको यूज करके आप एट ए टाइम मोर देन वन टेबल से डेटा को फेच कर सकते हैं. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एसक्यूएल जॉइंस. व्हाट इज एसक्यूएल जॉइन? सी ऑन द स्क्रीन. इट इज अ क्वेरी दैट फेचेस डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स हुज रिकॉर्ड्स आर जॉइंड विद वन अनदर बेस्ड ऑन अ कंडीशन.
SQL join का मतलब क्या होता है? It is a query जिसको use करके आप at a time एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा table से data को fetch कर सकते हैं. और उसमें important thing क्या है? There will be one join condition, एक join condition होगा. See the syntax, select field list from table 1, comma table 2, comma table 3 where join condition for the tables. Now see here, what is the syntax? Select here field list from table 1, comma table 2, dot dot dot, then where join condition. This is the syntax of SQL join. Select field list. What do you mean by field list? That is the list of columns that you want to see. Next, from table 1, comma table 2. यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, अब तक जो हम simple select statement लिखते थे वहाँ पर from के बाद केवल एक ही table का नाम होता था. जैसे मैंने previous example में बताया था, select asterisk from student. So यहाँ पर केवल एक ही table होता था. But join में आपको पता है, you are going to write a query that will fetch data from two or more tables. यानी दो या दो से ज़्यादा table से आप data को fetch करवाना चाहते हैं. तो उसके लिए आप जो command लिखेंगे, that is join command. From table 1, comma, you have to give the second table name from where you want to retrieve data. Dot dot dot, that means you can give any number of tables. दो minimum requirement is 2. You have to retrieve data from 2 tables. Or you can give 2 or more tables also. Where important is join condition. यहाँ पर आप किस column को base करके, किस condition को base करके आप data को retrieve करवाना चाहते हैं. That will be called as join condition. तो ये जो join condition में आपको ध्यान देना है, दोनों जो table है जिससे आप data fetch करवाना चाहते हैं, उन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होना चाहिए. कॉमन कॉलम मीन्स कॉमन फील्ड दैट इज प्रेजेंट इन बोथ द टेबल्स. सो इस तरह के जो हम लोग एसक्यूएल कमांड को लिखेंगे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल जॉइंस. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल जॉइंस. एसक्यूएल जॉइंस बहुत टाइप्स होते हैं उसके, बट एज पर द सिलेबस यू हैव टू लर्न टू टाइप्स, दैट इज इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन. बुक में आप देखेंगे इनर जॉइन मिलेगा आपको, लेफ्ट जॉइन होगा, राइट जॉइन होगा, बट यू हैव टू स्टडी एज पर द सिलेबस इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन. फर्स्ट, व्हाट इज इक्वी जॉइन? एन एसक्यूएल जॉइन क्वेरी दैट जॉइंस टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन यूजिंग इक्वालिटी ऑपरेटर. इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल. तो जिस जॉइन कंडीशन में आप इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करेंगे, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वी जॉइन. सेकेंड वन, नेचुरल जॉइन. इट इज़ ए टाइप ऑफ इक्वी जॉइन वेयर द जॉइन कंडीशन कंपेयर्स ऑल द सेम नेम्स कॉलम्स इन बोथ टेबल्स. दैट मीन्स नेचुरल जॉइन इज ए टाइप ऑफ इक्वी जॉइन. नेचुरल जॉइन इक्वी जॉइन का एक टाइप है जिसमें जो कंडीशन आप फॉर्म करते हैं उस पर आप देखेंगे इट विल कंपेयर ऑल द सेम नेम्स कॉलम्स. दैट मीन्स जो दो टेबल से आप डेटा को फेच करवा रहे हैं उसमें कॉमन कॉलम को वो सर्च करेगा. बेस्ड ऑन दैट ओनली द कंडीशन इज फॉर्म्ड एंड डेटा आर फेच फ्रॉम टू और मोर टेबल्स. सो दीज आर द टू टाइप्स, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन एज पर द सिलेबस. नाउ चिल्ड्रेन, वी आर गोइंग टू सी वन एग्जाम्पल. अब हम जॉइन के एक एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार दो टेबल से हम डेटा को फेच करेंगे. Children, you might be thinking, what is the use of join? क्या ज़रूरत है? आप at a time one table से data को fetch करवा रहे हैं, उसी तरह आप second table से भी data को fetch करवा सकते हैं separately. But कभी कभी ऐसा होता है किसी particular entity से related data आपको एक ही table में नहीं मिलेगा. Suppose, here we are going to see the example based on the table employee. एम्प्लॉई जो डेटा है, एम्प्लॉई जो एंटिटी है, उसका रिकॉर्ड दो टेबल में स्टोर है. फर्स्ट इज एम्प्लॉई टेबल, जिसमें एम्प्लॉई से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा. एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम दैट इज ई नेम कॉलम, देन उसके जॉब दैट इज डेसिग्नेशन, देन सैल दैट इज सैलरी, एंड डिपार्टमेंट नंबर डी ई पी टी एन ओ. नाउ
the same employee, the same entity, the details, the personal details of that particular employee is stored in some other table. What is that table? EMP details. यानी एक ही entity से related जो data है वो एक ही table में store नहीं है, दो table में हमने store किया है. एक में उसका professional detail है और एक में उसका personal detail store किया हुआ है. Personal detail जो table है उसका table name है EMP underscore details and the columns are EMPNO, that is employee number, name column है, then DOB, that is date of birth, next contact number, employee का contact number and address column. There may be more columns, just हमने example के लिए 5-5 columns को लिया है. Now if I want to retrieve employee name, job, or I want to retrieve job and salary from employee table and date of birth and address from EMP details table. That means हम जो data retrieve करवाना चाहते हैं, user जो भी data देखना चाहता है वो दो table में present है, एक employee का नाम, job and salary and date of birth and address. तो अब यहाँ पर जो हम लोग simple select command लिखेंगे तो हम at a time one table से ही data को fetch करवा पाएंगे. So I am going to use SQL join. किस प्रकार SQL join को use करके हम इन दोनों table से data को fetch करेंगे. See the example. Select first column name. See in the employee table what columns I want to see? E name, job and salary, and from this particular table DOB and address. Total 5 columns. So first what I have to write? Select E name. What was the syntax? Select field list. Yani sabse pehle hame columns ka list batana hai jis column ko hum show karwana chahte hain. So select E name. Next is job, then cell. ये तीन कॉलम है employee table से. Next, what are the two more columns? DOB and address. तो यहाँ पर हम continue भी लिखेंगे comma DOB comma address. Next ये select field list हो गया. अब आपको क्या लिखना है? From table one comma table two. किन दो टेबल से आप डेटा को रिट्रीव करवा रहे हैं? व्हाट इज द फर्स्ट टेबल? एम्प्लॉई कॉमा. व्हाट इज द सेकंड टेबल? ईएमपी अंडरस्कोर डिटेल्स. नेक्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द जॉइन कंडीशन? सी आई हैव टोल्ड बिफोर, जब भी आप दो टेबल से डेटा को फेच करवाना चाहते हैं देन देयर शुड बी अ कंडीशन, एक जॉइन कंडीशन होना कंपलसरी है. सो जॉइन कंडीशन जो हम फॉर्म करते हैं इट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड. नॉर्मली कॉमन फील्ड को बेस करके हम देते हैं. सो व्हाट इज द कॉमन फील्ड? ऐसा कौन सा कॉलम है जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है? वन इज EMPNO. सी EMPNO यहाँ पर भी है, EMPNO यहाँ पर भी है. दैट मीन्स एम्प्लॉय नंबर इज द फील्ड दैट इज प्रेजेंट इन बोथ द टेबल्स. तो यहाँ पर हम जो कंडीशन लिखेंगे वो EMPNO कॉलम को बेस करके लिखेंगे. सो फर्स्ट EMPNO इज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. सो आई एम राइटिंग एम्प्लॉय डॉट EMPNO इक्वल्स टू, इक्वालिटी ऑपरेटर हमें यूज करना है. सेकेंड टेबल है EMP अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट EMPNO सेमीकॉलन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉइन. यहाँ पर देखिए ये आपका फील्ड लिस्ट है. हाउ मेनी कॉलम्स यू आर रिट्रीविंग? टोटल 5 कॉलम्स, 3 कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड 2 कॉलम्स DOB एंड एड्रेस फ्रॉम EMP अंडरस्कोर डिटेल्स टेबल. फ्रॉम टेबल 1 दैट इज एम्प्लॉय, टेबल 2 इज EMP अंडरस्कोर डिटेल्स एंड दिस इज द जॉइन कंडीशन. जहाँ पर हमने क्या ऑपरेटर यूज़ किया है? इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ किया है. कंडीशन इज दैट एम्प्लॉई डॉट EMPNO शुड बी इक्वल टू EMP अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट EMPNO. यानी कि इन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है? EMPNO है. तो वैसे रिकॉर्ड्स जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है उन्हीं रिकॉर्ड्स का आपको क्या शो होगा? ई नेम, जॉब, सैलरी, DOB एंड एड्रेस. तो इस तरह की जब कमांड को हम लिखते हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ SQL जॉइंस. तो जॉइन का मतलब ही क्या होता है? जिसमें हम कंबाइन करते हैं. तो यहाँ पर हम किसको कंबाइन करें? वी आर कंबाइनिंग द टेबल्स. कंबाइनिंग इन द सेंस वी आर फेचिंग द डेटा
फ्रॉम टू और मोर टेबल्स एट ए टाइम. यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दो टेबल को लिया है. आई होप यू आर क्लियर. नेक्स्ट, सपोज आई वॉन्ट टू रिट्रीव द कॉलम ई नेम जॉब सैलरी, जो कि यहाँ पे हमने किया था. सी हियर, ई नेम, यहाँ पे कॉलम नेम ई नेम है, द सेम वैल्यू बट द कॉलम नेम इज़ डिफरेंट नेम. यानी कि ईएमपी नंबर तो सेम है दोनों टेबल में, बट जो ई नेम कॉलम है जिसमें एम्प्लॉय का नाम स्टोर है, वो यहाँ पर कॉलम नेम ई नेम है, बट इस टेबल में कॉलम का नाम क्या है? नेम. इसीलिए जब हमने यहाँ पर क्वेरी लिखा था तो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होता है. बट इफ़ द कॉलम नेम इज़ सेम, अगर यहाँ पर एम्प्लॉई नेम जो कॉलम है, यहाँ पर भी ई नेम है, यहाँ पर भी ई नेम है, तब अगर हम इस तरह क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम कमा जॉब कमा सैलरी, तो क्या होगा, ये क्वेरी रॉन्ग हो जाएगा, एरर विल बी शोन. वाई? बिकॉज ई नेम दोनों टेबल में है, ये हमें पता है, बट हाउ द सिस्टम विल अंडरस्टैंड, जब हम सेलेक्ट ई नेम लिखेंगे, ई नेम फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय टेबल और ईएमपी अंडरस्कोर डिटेल्स टेबल, ये सिस्टम को पता होना चाहिए. ई नेम किस टेबल का लेना है, एम्प्लॉय टेबल से लेना है या फिर ईएमपी अंडरस्कोर डिटेल्स टेबल से लेना है. यानी कि जब भी हम सेलेक्ट पार्ट में फील्ड का लिस्ट देते हैं, तो फील्ड का लिस्ट यानी कॉलम नेम में वो कॉलम का नाम आता है जो कॉमन है दोनों टेबल में. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. द कॉलम नेम विच यू वॉन्ट टू शो दैट इज कॉमन इन बोथ द टेबल्स, अगर इस तरह के कॉलम को हम सेलेक्ट पार्ट में लिखना चाहते हैं, देन हम डायरेक्टली इस तरह लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम कमा जॉब कमा सैलरी, तो ये क्वेरी रॉन्ग हो जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर दैट वी हैव टू गिव द टेबल नेम ऑल्सो. यानी कि जब भी आप एक कॉलम का नाम मैंशन करते हैं, आपको वो कॉलम किस टेबल से बिलोंग करता है वो भी आपको बताना होगा. सो फर्स्ट कॉलम ई नेम क्वेरी सेम होगा, बट जस्ट हम यहाँ पर ई नेम नहीं लेंगे, जस्ट डी ओ बी एंड एड्रेस, जो पिछले वाले क्वेरी में जो हमने किया था सेम यहाँ पर भी है. कॉलम नेम्स आर सेम बट द क्वेरी विल बी डिफरेंट. हाउ इट इज़ डिफरेंट? फर्स्ट सेलेक्ट ई नेम. ई नेम आई वॉन्ट टू शो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, नॉट फ्रॉम ई एम पी अंडरस्कोर डिटेल्स टेबल. तो पहले आपको क्या लिखना होगा, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम. यानी कि ये एक फॉर्मेट है लिखने के लिए. जब भी आप कॉलम का नाम लिखते हैं, अगर वो कॉलम नेम दोनों टेबल में प्रेजेंट है, तब आपको जब जॉइंट कंडीशन लिखते वक्त आपको ध्यान देना है, आपको पहले टेबल का नाम लिखना है, देन डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है, उसके बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो आप रिट्रीव करना चाहते हैं. सेकेंड क्या है आपका, जॉब. अब आप सोचेंगे जॉब तो दोनों टेबल में प्रेजेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली जॉब लिख सकते हैं. यू विल थिंक लाइक दैट, ई नेम तो दोनों टेबल में प्रेजेंट है, इसीलिए हमने टेबल नेम डॉट कॉलम नेम लिखा है, बट जॉब और सैलरी जो कॉलम है वो ई एम पी डिटेल्स टेबल में प्रेजेंट नहीं है. तो क्या आप डायरेक्टली जॉब लिख सकते हैं? नो. इफ़ यू आर राइटिंग वन सेलेक्ट पार्ट इन दिस वे, अगर आप एक सेलेक्ट पार्ट में टेबल नेम डॉट कॉलम नेम लिखते हैं, तो उसके बाद जितने भी आप फील्ड लिस्ट लिखेंगे वो भी आपको इसी पैटर्न में लिखना होगा, भले ही कॉलम सेम ना हो. यानी कि जॉब सैलरी ये दोनों टेबल में प्रेजेंट नहीं है, तब भी आप डायरेक्टली जॉब नहीं लिखेंगे, आपको पहले क्या लिखना होगा, जॉब का टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय. अगेन यू हैव टू राइट एम्प्लॉय डॉट जॉब, देन थर्ड वन एम्प्लॉय डॉट सैलरी दैट इज सैल कॉमा. ये फर्स्ट टेबल का हो गया, एम्प्लॉय से ई नेम, एम्प्लॉय टेबल से जॉब, एम्प्लॉय टेबल से सैलरी कॉलम. देन सेकेंड टेबल क्या है, ई एम पी अंडरस्कोर डिटेल डॉट, पहला कॉलम कौन सा शो करवाना चाहते हैं, डी ओ बी. सेकेंड कॉलम ई एम पी अंडरस्कोर डिटेल्स दैट इज टेबल नेम डॉट कॉलम नेम इज एड्रेस. From rest of the query will be same. From table name is employee. Second table is EMP underscore details. And the join condition is where employee dot EMP NO equals to EMP underscore details.
.embno. This is the query. See here. यहाँ पर हमने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा है? टेबल नेम डॉट ऑपरेटर देन कॉलम नेम, ये फॉर्मेट. नॉर्मली जॉइंस में ये फॉर्मेट में भी आपको एसक्यूएल कमांड मिलेगा, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम. इस पैटर्न में आपको तभी लिखना है जब आप सेलेक्ट में जो फील्ड लिस्ट देते हैं वो फील्ड लिस्ट में कोई एक भी अगर ऐसा कॉलम है जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है और उसको आप रिट्रीव करवाना चाहते हैं, देन आप डायरेक्टली उस कॉलम का नाम नहीं ले सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट मेंशन द टेबल नेम, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम. ये सिंटैक्स है, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम आपको लिखना है. तो अगर एक कॉलम का भी पैटर्न आप इस तरह लिखेंगे तो बाकी भी आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, आपको यही पैटर्न को फॉलो करना होगा. टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, देन थर्ड वन इज टेबल नेम एम्प्लॉई डॉट सेल कॉमा ईएमपी अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट डीओबी देन ईएमपी अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट एड्रेस. तो प्रीवियस क्वेरी और ये क्वेरी में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रीवियस वाले में हमने टेबल नेम डॉट कॉलम नेम नहीं लिखा था क्योंकि वहाँ पर ये ई वर्ड नहीं था, कॉलम नेम वॉज जस्ट नेम. तो दोनों सेम नहीं होने की वजह से डायरेक्टली हमने क्या लिखा था, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल. बट यहाँ पर हमने कॉलम नेम को सेम कर दिया है. सपोज इन बोथ द टेबल्स कॉलम्स आर सेम ई नेम, तो उस तरह केसेस में जब हम सेलेक्ट पार्ट में ई नेम लिखेंगे आपको पहले टेबल का नाम लिखना है, देन डॉट ऑपरेटर यूज करना है, उसके बाद कॉलम नेम लिखेंगे, देन कॉमा, देन इसी तरह आप सारे फील्ड लिस्ट को आपको देना है. देन फ्रॉम यहाँ से आपके सेम है, फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू, देन वेयर दिस इज द जॉइन कंडीशन एम्प्लॉय डॉट ई एम पी एन ओ इक्वल्स टू ई एम पी डिटेल्स डॉट ई एम पी एन ओ. इज इट क्लियर? नाउ सी हियर द क्वेरी विच आई हैव रिटन. ईच एंड एवरी टाइम आई हैव टू राइट द वर्ड एम्प्लॉई देन ई एम पी डिटेल्स. यहाँ पर देखिए टेबल नेम आपको बार बार नाम आपको लिखना पड़ रहा है. इफ़ द टेबल नेम इज लेंदी, अगर टेबल नेम का लेंथ ज़्यादा होने से आपको बार बार प्रॉब्लम हो रहा है वो टेबल का नाम लिखने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, जब आप बार बार टेबल का नाम फुल लिखते हैं तो चांसेस है गलती होने का. दैट मीन्स सपोज आप गलती से ई लिखना छोड़ देते हैं, एम्प्लॉई का स्पेलिंग में वाई ई कर दिए, तो इससे क्या होगा, एरर शो होगा. सो इन दैट केस अगर आप टेबल का नाम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी यू वॉन्ट टू गिव अ शॉर्ट नेम, ताकि आपको बार बार टेबल नेम डॉट कॉलम नेम लिखने में ईजी होगा, तो यू कैन गिव अ शॉर्ट नेम, यू कैन गिव एनी शॉर्ट नेम एज पर यूर विश. तो यहाँ पर हम चाहते हैं एम्प्लॉय का शॉर्ट हम करवाना चाहते हैं ई एम पी, देन ई एम पी डिटेल्स को हम शॉर्ट में केवल ई लिखना चाहते हैं. दैट मीन्स एम्प्लॉय का शॉर्ट नेम या सिनोनिम जैसा हमने बनाया है ई एम पी, और ई एम पी डिटेल्स लिखने के बजाय जस्ट आई वॉन्ट टू राइट द वर्ड एज ई. तो जस्ट हम यहाँ पर क्वेरी को चेंज कर देंगे, इंस्टेड ऑफ द टेबल नेम कंप्लीट टेबल का नाम लिखने के बजाय जस्ट हमने जो शॉर्ट नेम दिया है वो शॉर्ट नेम हम यहाँ पर लिख सकते हैं. क्या करना होगा, एम्प्लॉय टेबल शॉर्ट हमने क्या बनाया है, ई एम पी डॉट ई नेम, देन जॉब भी किस टेबल से है, एम्प्लॉय टेबल से है जिसका शॉर्ट नेम क्या है ई एम पी, देन सैलरी अगेन फ्रॉम एम्प्लॉय दैट इज ई एम पी डॉट सैल. देन यहाँ पर देखिए DOB किस टेबल से है, ई एम पी अंडरस्कोर डिटेल्स, तो वो ई एम पी अंडरस्कोर डिटेल्स लिखने के बजाय आपको ईजी क्या होगा, ई डॉट डी ओ बी देन ई डॉट एड्रेस. प्रीवियस क्वेरी और इस क्वेरी में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, जस्ट मैंने टेबल का नाम को शॉर्ट करने के लिए उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, एम्प्लॉय के लिए ई एम पी दे दिया है, ई एम पी अंडरस्कोर डिटेल्स टेबल के लिए जस्ट एक अल्फाबेट ई यूज़ किया है, तो वो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं. उसके बाद फ्रॉम जब आप लिखते हैं एम्प्लॉई टेबल वन, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि किस टेबल का आपने क्या शॉर्ट नेम बनाया है. एम्प्लॉई के लिए आपने क्या दिया है ई एम पी. सिस्टम को भी समझना है कि ये ई एम पी स्टैंड्स फॉर व्हाट. अगर आप ये नहीं लिखेंगे और आप क्वेरी में ऐसे लिखते हैं सेलेक्ट ई एम पी डॉट ई नेम, तो वो एरर शो होगा. सो यू हैव टू गिव द ओरिजिनल टेबल नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, पहले आपको बताना है कि ओरिजिनल टेबल का नाम क्या है, देन स्पेस देना है, उसके बाद आपने उसका क्या शॉर्ट नेम फॉर्म किया है, क्या शॉर्ट नेम आपने दिया है ई एम पी, देन कॉमा सेकेंड टेबल इज ई एम पी अंडरस्कोर डिटेल्स
का शॉर्ट क्या है, स्पेस देके आपको लिखना है ई. कंडीशन पार्ट इज सेम वेयर एम्प्लॉय डॉट, हियर ऑल्सो यू कैन गिव द शॉर्ट नेम वेयर emp डॉट emp no इक्वल्स टू e डॉट emp no. तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या चेंजेस करना है, जो शॉर्ट नेम आपने दिया है वो शॉर्ट नेम लिखेंगे आप टेबल नेम की जगह पे, डॉट कॉलम नेम सेम होगा. जब फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम के बाद आप टेबल वन और टेबल टू मेंशन करते हैं, तो वहाँ पर आपको स्पेस देके उसका शॉर्ट नेम बताना होगा, सो दैट सिस्टम कैन अंडरस्टैंड वॉट ई एम पी स्टैंड फॉर वॉट. एम्प्लॉय के लिए आपने ई एम पी लिखा है, कॉमा ई एम पी अंडरस्कोर डिटेल्स के लिए शॉर्ट नेम क्या दिया है ई. उसके बाद कंडीशन में भी आप सेम चेंज कर दिया हमने, एम्प्लॉय की जगह पे हमने क्या लिखा है ई एम पी डॉट ई एम पी एन ओ इक्वल्स टू ई डॉट ई एम पी एन ओ. तो सेकेंड वाली जो क्वेरी और इस वाली क्वेरी में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, तो आपको इस तरह लिखने में ईजी होगा, क्योंकि बार बार आप ई एम पी अंडरस्कोर डिटेल्स लिखेंगे तो अगर आप एक अंडरस्कोर लिखना भी भूल जाते हैं, टेबल नेम में कुछ भी करेक्शन कर देते हैं, आप कुछ भी स्पेलिंग भी छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, क्वेरी रॉन्ग हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो उसको ईजी करने के लिए हम इस तरह शॉर्ट नेम फॉर्म करते हैं. अगर टेबल नेम छोटा है, इफ़ इट इज़ शॉर्ट, देन आप डायरेक्टली टेबल नेम डॉट कॉलम नेम दे सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि टेबल नेम डिफिकल्ट है, लेंथी है, तो आप इस तरह का शॉर्ट नेम फॉर्म करके आप इजीली जॉइन क्वेरी लिख सकते हैं. आई होप यू आर क्लियर विद दिस एसक्यूएल जॉइंस. सो स्टूडेंट्स सी हियर, अभी तक हमने तीन एग्जांपल देखा था, तीनों में हमने जो कंडीशन पार्ट लिखा है देखे ई एम पी डॉट ई एम पी एन ओ इक्वल्स टू ई डॉट ई एम पी एन ओ. तो ये ज़रूरी नहीं कि जॉइंट कंडीशन में केवल आप इस तरह के इक्वालिटी ऑपरेटर को यूज़ करके ही जॉइंट कंडीशन दे सकते हैं, यू कैन गिव मल्टीपल कंडीशंस आल्सो. सपोज हियर आई वांट टू ऐड वन मोर कंडीशन, व्हाट इज दैट, एंड हम देना चाहते हैं सैलरी ग्रेटर देन 2000. सी हियर वन कंडीशन इज दैट दोनों टेबल में ई एम पी एन ओ शुड बी इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी ऑपरेटर हमने दिया है, एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड है. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सिंबल यू कैन राइट ए एंड डी, या तो आप एम्परसेंट, आपको दो एम्परसेंट सिंबल लगाना है, एंड सिंबल लगाना है, या फिर आप ए एंड डी लिख सकते हैं. सेकेंड कंडीशन इज दैट सैलरी, अगेन यू हैव टू गिव द टेबल नेम ऑल्सो बिकॉज द फॉर्मेट इज टेबल नेम डॉट कॉलम नेम. तो सैलरी किस टेबल से है, ई एम पी डॉट सेल. डायरेक्टली आप सेल ग्रेटर देन 2000 लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मेट क्या फॉलो किया है, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम. तो हमने सैलरी कॉलम पे कंडीशन दिया है विच इज़ फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय टेबल. तो एम्प्लॉय टेबल का शॉर्ट नेम क्या है, ई एम पी है, तो हमने क्या लिख दिया, ई एम पी डॉट सेल ग्रेटर देन 2000. यानी कि दोनों कंडीशन मैच होना है, फर्स्ट एम्प्लॉय सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 2000 एंड द एम्प्लॉय नंबर शुड बी प्रेजेंट इन बोथ द टेबल्स. तो वैसे कंडीशन जो फुलफिल होगा वैसे रिकॉर्ड का ही क्या शो होगा, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस. तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को आउटपुट में आपको स्क्रीन में मिलेगा जिस रिकॉर्ड्स ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो. What are the conditions? Salary should be greater than 2000 and employee number should be equal. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप joint condition लिखते हैं where clause में वो हमेशा केवल equality operator वाला नहीं होगा, it can be other than equality operator. आप इस तरह के commands को भी दे सकते हैं. I hope you have understood what I have taught today. So this is a very important topic, SQL join. Join में क्या होता है, यू आर गोइंग टू फेच डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स. आप एट ए टाइम दो से ज़्यादा टेबल से डेटा को फेच करवाते हैं. सो दिस इज द सिंटैक्स एंड वी हैव सीन थ्री एग्जाम्पल्स जिसमें हमने दो टेबल से डेटा को फेच किया था, वन इज एम्प्लॉई एंड अनदर वन इज ई एम पी अंडरस्कोर डेटे. इसी तरह हम दो से ज़्यादा टेबल से भी डेटा को फेच करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइन कंडीशन. सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ दिस यूनिट एसक्यूएल. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस दैट कम्स एज पर द सीबीएसई. सीबीएसई में एसक्यूएल चैप्टर में किस प्रकार क्वेश्चंस पूछा जाता है, किस प्रकार एक टेबल दिया होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट टेबल यू हैव टू राइट अ क्वेरी एंड यू हैव टू फाइंड द आउटपुट फ्रॉम द गिवन टेबल. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.